खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड टर्की की सड़कों पे, वो भी 100 रुपए में पड़ रहा है अपना 20 GB। गुड जैसे जैसे हम इस्तांबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, वो यूरोपियन कल्चर काफी ज्यादा फॉलो होता रहेगा। टैक्सी को बोलते हैं टैक्सी, ऐसा नहीं है भाई, सारे हाईफाई घर बने हुए देखो, कुछ ऐसे छोटे मोटे घर और टूटे फूटे घर भी बने हैं। यहाँ पे भी डस्टर गाड़ी है, बाकी नंबर देख लो भाई। एंड रोड पर भी देखोगे ना स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, बट हमारी गाड़ी का तो चलान हो ही नहीं पाएगा इन स्पीड कैमरा से। ओहो बाइक देख रहे हो कावासाकी, और इनकी टी शर्ट पे देखो क्या लिखा, पोल्स पोल्स आगे पोल्स। गैसोलीन होता है डीजल और बेंजीन होता है पेट्रोल। चलो जी टंकी हो गई है बिल्कुल फुल, 48 लीटर आया है भाई साहब। कितने का? 1110 लीटर। और ये देखो भाई यहाँ की गायें कैसे पानी में मस्ती कर रही है। एलियन है क्या ये, कीड़े है जो हरा खून है इनका। देख रहे हो भाई रिएक्शन तो आता है पूरा स्कॉर्पियो। वैसे टर्की में भी प्लॉट पे कब्जे होते होंगे पता नहीं यार, कह नहीं सकते। लो जी लोग पैसे भी आ गए, क्या भाई साहब पिकअप ट्रक को बना रखा है। तो फ्री में टर्की में ना कॉन्सेप्ट में एंट्री मिल गई, मजेदार हो गई। रो भाई क्या तगड़ा है हमारे टर्की के इस होटल रूम से, सामने पहाड़िया ही पहाड़िया। एक और नया दिन एक और नई जर्नी, आज है 17 जून 2023। मैं हूँ अभी टर्की के एक खूबसूरत शहर, नाम पढ़ा नहीं जा रहा स्क्रीन पर लिख दूंगा, डोगू बिजैट करके। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन अपनी स्कॉर्पियो एन से बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे एपिसोड चल चुके हैं, आप लोग सपोर्ट भी अच्छा दिखा रहे हो, ऐसे ही दिखाते रहना। सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, इस वीडियो का लाइक 70,000 का रखते हैं। तो कल हमने भाई ईरान टर्की बॉर्डर क्रॉस किया था, ये बाजारगान करके एरिया था ईरान में, वहां से हम क्रॉस करके टर्की एंटर किए थे एंड 30-35 किलोमीटर आगे ही ये शहर था जहां पर अभी हम फिलहाल रुके हुए हैं। क्योंकि कल भाई बॉर्डर पे ही ना 5-5.5 घंटे लग गए पूरा, मतलब गाड़ी खुलवा दी थी सब कुछ सामान वगैरह बाहर निकलवा दिया, एक्सरे स्कैनिंग हुई गाड़ी की, तो वो सब पिछले ब्लॉग में आप देख लेना, मैंने पूरी डिटेल में बताया। अभी फिलहाल होटल जहां पे लिया ना वहां पे फ्री ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं भाई टर्की में। आज अपना पहला दिन है, मजे आने वाले हैं। ईरान की तरह ना भाई टर्की के होटलों में भी ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर वाली लाइट है, जैसे ही मैं इसके आगे जाऊंगा एकदम से जल जाएगी। अभी यहाँ पे हर जगह की लाइट बंद पड़ी है, जैसे ऐसे आगे चलता जाऊंगा एकदम से ऑन होती जाएगी, तो सही है भाई बिजली बचाने का। एंड होटल काफी अच्छा था भाई, अभी रूम टूर तो छोटा सा ही था, क्या ही देना था। होटल हमने इसके लिए $45 पर नाइट पे करे थे, यानी इंडिया के अराउंड 4,000 नहीं 3,500 के आसपास। रेस्टोरेंट 1 एंड ईरान पे ना कहीं पे भी स्पा या फिर मसाज सेंटर नहीं थे, लेकिन टर्की आते ही आ गया तो हमाम जो है ना, हमाम का मतलब है मसाज, तो वही बुफे सिस्टम होगा ब्रेकफास्ट में भी। जी हाँ यार कल तो लोग दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, अब ब्रेकफास्ट पे इतने लोग हैं। वही नॉर्मल होता है भाई, फ्रूट्स सब्जियां ये पता नहीं क्या है, छोले भी है, बाकी जैम वैम है ब्रेड के साथ लगा के खाना चाहो तो, ये पनीर है, यहाँ पे अचार वगैरह दे रखा है, पैकेट फूड नीज है, केचप है, और इधर अपना वही कॉफी चाय और जूस होगा, जूस तो नहीं है कॉफी चाय है शायद, खास नहीं यार यहाँ का ब्रेकफास्ट, वही फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड ईरान में अलग टाइप की रोटी चलती थी, यहाँ पे इस टाइप का ये बंद सा चलता है, सूखा सा ठंडा, कौन खाएगा भाई ये। तो ये ले लिया भाई थोड़ा बहुत, तो चलो पेट भर ही जाएगा रस्ते के लिए आज। ये ना कुछ ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, मतलब गांव टाइप का ही है, बट बिल्कुल गांव भी नहीं है, ऐसे पिछड़ा सा। एडवांस टेक्निक यूज करते हैं भाई, सुपरमार्केट हम गए थे ना, ये नीचे ही ओपन में अपनी स्कॉर्पियो खड़ी है, पार्किंग ही नहीं की है होटल वालों की है। ये भाई छोटू सा रूम था, सिंगल सिंगल 2 बेड लगे हुए थे, एंड वैसे तो टेम्परेचर अच्छा होता है तो होटलों में एसी नहीं होता, बट इस वाले होटल में फिर भी एसी था और चल भी रहा था। ये एक बाथरूम है छोटू सा, जेट स्प्रे हमें यहाँ भी मिलेगा क्योंकि ये टर्की है। बस अब यूरोप में एंटर करने के बाद ये पिचकारी बंद, हमारे पास है एक जुगाड़, वो लेकर आया, उसी को यूज करा करेंगे यूके में भी और पूरे यूरोप में भी। भाई यहाँ रिसेप्शन को ना रेसिपिसियन कहते हैं। और एक चीज और अच्छी है भाई, ईरान में ना कहीं पे भी इंटरनेशनल कार्ड कोई भी नहीं चलता था, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, बट टर्की में हमारा कार्ड चल जाएगा, तो अब यहाँ पे हमें कैश पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा TL, बट हम यहाँ पे अपने FI वाले कार्ड से पेमेंट करेंगे, कार्ड पेमेंट यस। तो $45 की पेमेंट करनी है, होपफुली हो जाए उससे। एंड हमने भाई पिज्जा भी लिया था, तो टोटल यहाँ का 1350 टर्किश लीरा का बिल बना है, एक टर्किश लीरा में 4 इंडियन रुपीज होते हैं, तो लगभग लगा लो वही 5,200 रुपए विद रूम एंड फूड पिज्जा वीजा। ओके तो लेट्स सी भाई कार्ड वर्क करता है या नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड काम कर जाए तो मजा आ जाएगा, प्लीज कर जा। डन ओके हाँ हो गया हो गया। चलो भाई शुक्र है क्योंकि मेरे ना सारे डॉलर खत्म पड़े थे, सिर्फ बैंक अकाउंट में ही पैसे है मेरे पास, तो अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, अब इससे काम करा करूंगा FI कार्ड से। ओके थैंक यू सो मच या भाई। ये होटल था भाई अपना ग्रैंड अगा, लिखा तो है 3-स्टार होटल पर पता नहीं है या नहीं, मतलब अंदर से तो ऑब्वियसली अच्छा था नो डाउट, बट महंगा है। और वो जो मैं सिटी बता रहा था ना वो उधर की साइड है पीछे, हमें मेन हाईवे पे ही आके होटल मिला, अंदर सिटी के होटल ही नहीं थे, एक दो थे वो भी अजीब से थे, तो इसलिए रोड पर ही आ गए। बट अभी सिटी में हमें जाने क्योंकि सिम कार्ड खरीदनी है भाई टर्की की यहाँ पे, क्योंकि आज और कल पूरे
दिन ट्रैवलिंग होने वाली है। और यहाँ पे सीन क्या है, मैंने गूगल पे पढ़ा कि 6 बजे तक ही सिम कार्ड एक्टिवेट होती है, 6 बजे के बाद कोई भी शॉप वाला सिम कार्ड आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि कल भी हम रात को गए थे 7:30-8 बजे, उन्होंने मना कर दिया था। तो इसलिए अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फटाफट से सिम लेके निकलेंगे। जो भी प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कितने का है। और आज का ये जो सफर होने वाला है ना हमारा, वो है भाई बॉर्डर वाले इस टाउन से एर्जिकैन करके, जो की एक सिटी है सेंट्रल टर्की में, अराउंड 462 किलोमीटर है, गूगल मैप 6 घंटे दिखा रहा है, वही रुकते रुकाते 7-8 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। बाकी रोड कंडीशन कैसी है टर्की की, ईरान जैसी है, ईरान से बेटर है, वो सब आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। हमें ना एक्चुअल में कैपाडोकिया जाना है और वहीं पे हम 3-4 दिन का स्टे करने वाले हैं, बट कैपाडोकिया यहाँ से लगभग 1180 किलोमीटर है, बीच में ये सिटी पड़ रही है एर्जिकैन करके, यहाँ पे आज का नाइट स्टे करेंगे और कल यहाँ से हम जाएंगे फिर कैपाडोकिया। उसके बाद आपको कैपाडोकिया अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा, सारी टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे हॉट एयर बैलून में भी हम जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंड टर्की का आपको मैं रूट समझा दूं, देखो हमने यहाँ बॉर्डर से शुरू किया है, हम जाएंगे एंजरिका करके, फिर कैपाडोकिया, कैपाडोकिया के बाद अंकारा जाएंगे, अंकारा से जाएंगे हम इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल के आगे ही ये बल्गेरिया का बॉर्डर है जिससे हम यूरोप में एंटर कर जाएंगे। कल हमारा टायर पंचर हो गया था जो यहाँ पे लगवाया भाई, 1200-1300 रुपए ले लिए पंचर की, एंड हवा भी ज्यादा भर दी 43, तो अभी हल्की सी निकालनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो सकती है, बाकी में तो 37-36 सही है। एंड भाई ईरान में मैंने ये ट्रिप ए रीसेट करी थी, तो टोटल 2798 या फिर 2800 किलोमीटर आप लगा लो ईरान में हमने अपनी स्कॉर्पियो एन को चलाया, और ट्रिप बी जो है वो टोटल है दिल्ली से जब हम मुंबई के लिए निकले थे, टोटल करके तो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चला लिया हमने इस ट्रिप में। तो ट्रिप ए को भाई रीसेट कर देते हैं वापस से, ताकि टर्की का हिसाब लगा सके हम। मैंने पहले भी आपको बताया था हमारा कुछ 20,000 से 25,000 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलने वाली है इस ट्रिप के दौरान, इसमें मेजर पार्ट हमारा यूरोप एंड यूके में चलेगा, और टर्की में शायद से हम 3,000 के आसपास किलोमीटर तो करेंगे, 3,000+ ही जाएगा। चलो बाकी भाई देर नहीं करते, फटाफट जाके सिम कार्ड खरीदते हैं यहाँ का। और काफी लोग कह रहे थे डैश कैम लगाओ, तो भाई देखो लगा रखा है, डैश कैम आगे भी लगा हुआ है एंड पीछे की साइड भी लगा हुआ है, शायद दिख जाए आपको, वो देखो सूटकेस के बीच। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन इसमें एचडी कार्ड नहीं डाला हुआ था, तो मैंने कल एचडी कार्ड डाल दिया भाई इसमें फाइनली, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई यहाँ का मेन सिटी सेंटर, काफी सारी शॉप्स है, एंड भाई देख रहे हो दुकानों के नाम भी पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हालांकि वो इंग्लिश प्लस टर्किश लैंग्वेज है, और यहाँ पे लोगों को ईरान से तो ज्यादा इंग्लिश आती है। बाकी गाड़ी के लिए अपनी पार्किंग मिल गई, लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे एक वोडाफोन का स्टोर मिल गया। हाँ जी भाई साहब देख रहे हो, वोडाफोन जो है वो टर्की में भी चलता है, तो इनसे पूछते हैं टूरिस्ट के लिए क्या ऑफर है सिम कार्ड के, कितने का क्या मिलेगा। ओ भाई साहब बहुत बड़ा स्टोर है यार ये, तो देख रहे हो फोन वोन भी मिल रहे हैं, MI भी मिलता है भाई यहाँ, वाह यार MI ने तो पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा रखा है। दिस इज फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट भाई वोडाफोन तो यहाँ पे बहुत महंगा है, इंडिया में भी महंगा ही था पहले, 600-600 रुपए 1 GB के लेते थे मंथली, तो हम यहाँ से नहीं ले रहे भाई, 2400 रुपए में पड़ रहा है अपना 20 GB, कौन लेगा इतना महंगा। हमारा 20 GB भाई 2 दिन में लग जाता है 2 व्लॉग अपलोड करने में, तो 1200 रुपए एक व्लॉग हम सिर्फ अपलोड करने के लगाएंगे, फायदा नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे वाईफाई अच्छे है, जिस होटल में हम रुके हुए थे ना 40-50 MBPS की स्पीड आ रही थी अच्छी, बट स्टिल भाई सिम होनी चाहिए रस्ते के लिए और अपलोडिंग के लिए, तो ये प्लान है। महंगा है यार, पता नहीं हमें महंगा दे रहे हैं क्या सीन है, कोई नहीं चलो दूसरी शॉप देखते हैं। कोई गाड़ी को तो वहीं खड़ा कर दिया भाई, पैदल पैदल ढूंढ रहे हैं कोई और शॉप मिल जाए अगर सिम कार्ड की, कहीं सुपर मार्केट में ही मिल जाए। तो एक ये मोबाइल की शॉप मिली है इनके पास, 600 लीरा नहीं GB, हाउ मच डेटा, ऑल चूज दिस डेटा GB जीबी नहीं, इंटरनेट हाउ मच, 20 GB, दिस इज वोडाफोन, वोडाफोन तुर्क टेलीकॉम, ये तो और महंगा दे रहा है। जो टर्किश लैंग्वेज है ना उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होता है, ये देखो हर जगह, जैसे फारसी और अरेबिक में अलग अल्फाबेट्स होते हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश का यूज होता है। वापस से पूरा सिटी सेंटर घूम के वोडाफोन वाले स्टोर में आ गए हैं, सिम कार्ड क्योंकि सबसे सस्ती यहाँ पे यही दे रहे हैं, हालांकि टर्की में वोडाफोन महंगा है, बट स्टिल इस सिटी में हमें वोडाफोन ही बेस्ट मिल रहा है, 600 लीरा में 20 GB इंटरनेट एंड 600 मिनट की टॉक टाइम लोकल अपने मतलब टर्की में, तो 600 लीरा का मतलब हो गया 2400 रुपीज की सिम पड़ रही है सिर्फ 20 GB 5G डेटा के साथ। बट फायदा यह है कि इसके बाद जो अगला रिचार्ज होगा ना 30 GB का, वो सिर्फ 110 लीरा का, यानी कि 500-600 रुपए में 30 GB मिल जाएगा, तो वो ज्यादा सही रहेगा। अभी के लिए हम 20 GB ले रहे हैं, अब रिचार्ज आगे जाके करवा लेंगे। इंडिया हिंदुस्तान, ये टूरिस्ट टर्की में ना ये डिवाइस बहुत चलता है वाईफाई वाला, एक डिवाइस ले लो और सारे अपने कनेक्ट कर लो इसी से, वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करता है ये। इंडियन हिंदुस्तान इंडिया, ओके। तो वैसे तो यहाँ लोकल्स के लिए इंटरनेट सस्ता है, बट हमारे टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे भाई मिले, व्हाट्स योर नेम,
ओके भाई, मैंने चैनल सब्सक्राइब करा तो भाई ने ना मेरी गाड़ी देखी और बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तो भाई हैरान हो गए। यू लाइक इट? गुड। ओके ओके, यू कार गुड? ओके बाय बाय ब्रो बाय। तो ये भाई की कार है, वो अपनी स्कॉर्पियो एन खड़ी है। तो मस्त रिएक्शन आते हैं भाई लोगों के गाड़ी देख के। एक तो इंडियन ब्रांड है, ऊपर से नंबर प्लेट इंडियन है ना, तो HR नंबर दूसरे देशों में भी ऐसे नाम रोशन कर रहा है मस्त। व्हाट? ओह नॉर लेमन। ओके थैंक यू यस थैंक यू फॉर दिस। ओके बाय। भाई ने बताओ लेमन ला के दे दी, लेमन या जो भी है, पर ठंडी बहुत है। टर्की में आते ही भाई खातिरदारी शुरू हो गई है। ईरान में भी लोगों ने बहुत करी थी और टर्की में भी देखने को मिल रहा है। चलो जी, सिम कार्ड अपनी हो गई है रेडी। ये है सिम कार्ड, तो अभी फोन में ये डाल देंगे खुद से ही। सिम कार्ड डल रही है भाई अपने फोन में, मजेदार इंटरनेट मिलेगा अब टर्की का हमें 20 GB। चलो जी, सिम चालू हो गई है और 28 MBPS की स्पीड आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई शुक्र है VPN की जरूरत नहीं पड़ती जैसे ईरान में थी। मस्त यूट्यूब फेसबुक बिना VPN के चल जाया करेगा। ओए होए होए, देख रहे हो ना व्लॉग्स या नहीं देख रहे बताना जरा। चलो भाई अब खींचते हैं जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन की ओर। एंड रूल्स की बात करें तो भाई ईरान टर्की के बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इंडिया से ओपोजिट है, क्योंकि इंडिया में उधर जाने के लिए उस वाली रोड पर रहना पड़ता है, बट इन कंट्रीज में इधर की साइड में एंड यहाँ पे लेफ्ट से ओवरटेक लेते हैं, इंडिया में हमारे राइट से ओवरटेक लेते हैं। एंड इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ की गाड़ियों के जो स्टेयरिंग व्हील है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, जबकि हमारी गाड़ियों में राइट साइड में है, तो इसलिए हमेशा लेफ्ट से ओवरटेक लेना है वरना रूल टूट जाएगा। और भाई सब नज़ारे देखो, टर्की आते ही पूरा माहौल बदल गया है, मतलब पहाड़ पे बर्फ है, टेम्परेचर देखो 25 डिग्री हो रहा है लगभग 12 बजे दोपहर के। तो ओवरऑल ईरान से वेदर वाइज एंड लैंडस्केप वाइज टर्की ज़्यादा बेटर है। अब रोड कंडीशन का नहीं पता, अभी तो 10 किलोमीटर भी नहीं चले, थोड़ा चलाता हूँ 200-300 किलोमीटर फिर बताऊंगा। अभी तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है काफ़ी सही रोड्स है, मतलब ईरान में थोड़े बहुत हल्के हल्के से बम्प थे, वैसे तो रोड वहाँ की भी बहुत बढ़िया थी, पर छोटे छोटे गड्ढे छोटे छोटे बम्प्स वहाँ पे आते रहते थे, यहाँ पर तो वो भी नहीं है भाई, बिल्कुल स्मूथ रोड है। और ये तो बिल्कुल आउटर एरियाज है, सोचो जब हम इस्तांबुल या कैपेडोकिया के जैसे शहरों में जाएंगे वहाँ की रोड कितनी सुंदर हो सकती है अगर ये इतनी अच्छी है तो। एंड जो सबसे बड़ी टेंशन थी ईरान में डीजल की, टेंशन भी थी और खुशी भी थी, क्योंकि ईरान में डीजल बहुत सस्ता था, मतलब इंडिया के 7 रुपए पर लीटर, बट वहाँ पे ना डीजल देते नहीं थे टूरिस्ट को, वहाँ पे सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही था, तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी ट्रक ड्राइवर्स या फिर बस ड्राइवर्स से कि आप प्लीज हमें डीजल दिलवा दो। हालांकि आधे ज्यादा लोग पैसे लेते नहीं थे, फ्री में देते थे, तो इसलिए हमने ईरान में जितना ट्रैवल किया ना भाई बहुत सस्ते में डीजल हो गया, मतलब मैक्स टू मैक्स 1500 रुपए का भी डीजल नहीं भरवाया होगा और लगभग 3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी ईरान में। बट यही अब टर्की में आके भाई 20 गुना ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे शायद से 24 टर्किश लीरा का 1 लीटर है, यानी कि अराउंड 90 रुपए से भी ऊपर, 90 या 100 रुपए ही हो गया, 2 रुपए पर लीटर, और कहां वहां 6-7 रुपए पर लीटर था। तो कोई बात नहीं, अब खर्चे बढ़ेंगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे, होटल के खर्चे भी बढ़ेंगे यूरोप में यूके में, और डीजल भी और महंगा होता रहेगा, शायद से यूके में तो 130 रुपए लीटर है डीजल। कोई बात नहीं भाई, वो तो पहले से ही पता था हमें। हमारी वाली रोड ना अभी कच्ची पड़ी है, मतलब बन रही है, तो इन्होंने एक चीज अच्छी क्या करी है कि इस वाली रोड पे बीच में ये लगा दिया ऐसे डिवाइडर टाइप के, ताकि कोई भी ओवरटेक ना करे एंड एक्सीडेंट का खतरा भी कम रहे। वरना ये क्या है, अगर ऐसे ओपन होता तो ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक को हम करेंगे और इस रोड पे जाना पड़ेगा। हालांकि ये मार्किंग वो वाली है, हम ओवरटेक नहीं कर सकते, अब आ गई है ये डॉटेड वाली की ओवरटेक हो सकता है, बट अब इन डिवाइडर की वजह से कोई करेगा नहीं, तो ये चीज सही है भाई। क्योंकि आपको पता ही है भाई, सबसे ज्यादा डर मुझे ऐसी रोड्स पे ही लगता है, चाहे चलाने में चाहे साथ बैठने में, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा हो एक ही रोड पर, हम भी इधर से जा रहे हो, तो बहुत ना चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। अलग अलग रोड पे ट्रैफिक हो ना, फिर फर्क नहीं पड़ता भाई, 100 110 120 पे चलाते रहो। स्पीड लिमिट यहाँ भी 110 की है, बट अभी 70 की लिखी हुई है इन्होंने, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं बेसिकली रोड खराब होने की वजह से, और खराब तो क्या पूरी तोड़ ही रखी है। एंड भाई टायर में से हवा निकालना भूल गए, तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि अजीब सा ना ऐसे वोबल कर रहा है टायर ज्यादा हवा की वजह से, और फटने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उससे अच्छा निकाल ही दो, क्यों रिस्क लेना, 45 है यूजी हवा। चलो भाई अपनी वाली रोड वापस से आ गई है, यहीं कहीं अब देखता हूँ साइड लगाता हूँ और हवा निकालते हैं पहले। अब जाके जगह मिली है भाई साइड लगाने की, वरना बिल्कुल हाईवे पे तो रोक नहीं सकते थे, तो कोई डंडा ढूंढता हूँ जिससे, डंडा क्या पेचकस पड़ा ना, पेचकस से हवा निकालता हूँ, बस तो पत्थर से भी निकल जाएगी। ये देखो भाई साइडों में ना बिल्कुल ट्रक और बस चलते हैं, इसलिए मैंने ऐसी जगह लगाया, क्योंकि ना गाड़ी में बैठ के पता नहीं चलता, बट ये देखो बाहर से ट्रक जा रहे हैं ना बहुत तेज होते हैं, तो इसलिए ये ऑफ रोडिंग वाली थोड़ी सी जगह थी, यहाँ लगा दी। करूँ और कितना है भाई साहब, हवा भरती गई रस्ते में, 45 थी 47 हो गई, तो और निकालनी पड़ेगी अभी, प्रिकॉशन ले लेने चाहिए पहले ही, बाद में पछताने से अच्छा। ठीक है भाई 36-37 तक कर दी, वैसे 35 से कमी होनी चाहिए।
देख रहे हो कितनी ज्यादा हो गई है, दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजर आ रही है हरा हरा हो रखा है सब। और भाई यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े बहुत है, इतने ज्यादा मैं अभी एक बार रुक के साफ भी कर चुका हूँ, बट फिर देखो पता नहीं दिख रहे हैं आपको या नहीं, बहुत कीड़े मर रहे हैं, मतलब ऐसे टपटा पटा पटा पट पट हो रही जा रही है बार 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 बार। ऊपर से हमारा लिक्विड भी खत्म पड़ा है वॉशिंग वाला, तो वो भी डलवाना है पानी कहीं पे आगे, फिर मैं लाया हुआ हूँ एक ढक्कन वो सोप मिक्स कर दूंगा उसमें। बाकी रोड की कंडीशन भाई अच्छी है, लेकिन अभी पीछे ना 25-30 किलोमीटर का पैच आया था जहाँ पे रोड पूरी टूटी थी, उबड़ खाबड़ थी, उसके बाद से सही हो गई है। अभी ये हनी बाबा करके कोई सिटी आई है बीच में ही, बट भाई साहब रोड्स और ऐसे आसपास के घर देख के ना पूरी यूरोप वाली फील आ रही है। हालांकि मैं कभी गया नहीं यूरोप, बट मैंने मूवीज में या वीडियोज में दूसरे व्लॉगर्स की देखा है ना, पूरा वही फील है। ऐसी सिटी आती है बीच में, ग्रीन सिग्नल भी आ जाता है बाय बाय कर रहे हैं सब, और ये सिटी है भाई वो। तो ऐसा नहीं है पूरा सुनसान हाईवे मिलेगा, बीच बीच में सिटी मिलती रहेगी, बट होटल है या नहीं है वो कह नहीं सकते। वैसे अगर बड़ा शहर है देखो ये, तो होगा यार होटल एक दो, तो अगर बाय चांस कुछ इमरजेंसी आती है तो रुकने का इंतजाम हो जाएगा यहाँ पे। ईरान में वैसे तो लोग लेन ड्राइविंग को अच्छे से फॉलो करते थे, जब भी कोई हमारी लेन में जा रहा होता था ना यानी फास्ट लेन में, तो अपने आप जगह दे देते थे हमें, बट उससे भी ज्यादा बेटर यहाँ पे है भाई टर्की में। यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से रूल फॉलो करते हैं भाई लोग। जैसे जैसे हम इस्तांबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, वो यूरोपियन कल्चर काफी ज्यादा फॉलो होता रहेगा, मतलब इस्तांबुल का तो एक पार्ट कहते ही है पूरा प्रॉपर यूरोप है, तो इसलिए आने वाले व्लॉग्स में भाई नेक्स्ट लेवल वाली फील आने वाली है। और हाईवे के बीच जैसी कोई सिटी आती है ना, तो स्पीड लिमिट सीधा 110 से 50 या 60 पे गिर जाती है, तो अभी इस एरिया में 50 की स्पीड लिमिट है। एंड ऐसा नहीं है भाई सारे हाई फाई घर बने हुए, ये देखो कुछ ऐसे छोटे मोटे घर और टूटे फूटे घर भी बने हैं। सोलर पैनल लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई लगभग हर घर में यूज किया हुआ है। अभी बात करते करते ना मैं एकदम से भूल ही गया था कि टर्की में ही है, सही में यूरोप एंटर नहीं करेगी, क्योंकि फील तो भाई सही में पूरी यूरोप वाली है यहाँ पे। अभी भाई कोई तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम, और प्रॉपर पहाड़ी रास्ते जिसे कहते हैं ना, मतलब ग्रीनरी आप देखो कितनी ज्यादा है, ईरान और यहाँ में ऐसे जमीन आसमान का फर्क हुआ गया। वहाँ पे ऐसे मिट्टी के पहाड़ सूखे सूखे से होते थे, और यहाँ पे पहाड़ देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी चारों तरफ। एंड भाई इस कसम से ये कीड़ों से परेशान आ गया मैं, पूरी की पूरी विंडशील्ड वापस से गंदी हो गई है। ट्रक वाले देखो कितने अच्छे हैं भाई, पूरे राइट वाली स्लो लेन में चला रहे हैं, ना ओवरटेक कर रहे हैं ना कुछ, एकदम ऐसे लाइन से चल रहे हैं, तो हम इनको ओवरटेक कर सकते हैं नॉर्मली अपनी लेन में रह के। सही है भाई अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल लेन में, जबकि तीन ट्रक है, वरना नॉर्मली क्या होता है तीन ट्रक होते हैं तो एक दूसरे को ही ओवरटेक करने में लगे रहते हैं, बट यहाँ पे सही है भाई पूरी दुनिया के ट्रक ड्राइवर ऐसे ही बन गए भाई। बड़ी मुश्किल से खाली जगह मिली है, क्योंकि ना हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, तो यहाँ पे रोकनी नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक गांव टाइप का आया है पहाड़ का, यहाँ रोक के पहले भाई साफ ही करूँ, चला ही नहीं जा रही गाड़ी क्योंकि बिल्कुल भी। और छोटे मोटे मच्छर भी नहीं है भाई, बड़े वाले ना वो पतंगे से नहीं उतनी कीड़े, बड़े बड़े ऐसे खून सा टपक जाता है पूरे स्क्रीन पे, आगे स्क्रीन नहीं विंडशील्ड पे तो भाई कसम से पूरी यूरोप वाली फील आ रही है मुझे यहाँ पर। एंड ये देखो उपले है शायद से गोबर के, और इस तरह के घर बने हुए हैं यहाँ पर। भाई साहब उतर ही नहीं रहे, ये तो बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ रहा है। अब जाके हटा है, इसमें भी पानी डाल ही देता हूँ, वरना बार बार कौन रुकेगा भाई साफ करने के लिए। एक बोतल आ जाएगी ना, 1.5 लीटर वाली काफी रहेगा। पूरी बोतल डाल दी, अभी शायद एक बोतल और आ सकती है, बट ठीक है इतने में काम चल जाएगा। ये डाल देता हूँ एक ढक्कन आगे, इससे ना झाग बन जाता है मस्त, तो अच्छे से विंडशील्ड भी ना साफ हो जाती है और स्क्रैच नहीं पड़ते, क्योंकि पूरा टैंक नहीं भरा इसलिए एक ही ढक्कन काफी है, वरना दो डालने थे। टोटल भाई आज 152 किलोमीटर हम चल चुके हैं। एंड अभी ना एक सिटी आएगी इर्जुरूम करके, इसी सिटी में हमें कल जाना था बट हम लेट हो गए थे इसलिए गए नहीं। 128 किलोमीटर 1.5 घंटे का, तो यहाँ पे कुछ खाने का देख लेंगे कैफे या रेस्टोरेंट। देखो टैक्सी को बोलते हैं टक्सी, इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज है बट थोड़ी सी प्रोनंसिएशन में डिफरेंस है। एंड यहाँ पे भी डस्टर गाड़ी है, बाकी नंबर देख लो भाई 25T6609। तो ये सही है, टर्की में अगर आप कैब बुक करोगे ना तो नंबर समझ आ जाएंगे, वरना वहाँ पे तो भैया उसमें अरेबिक में लिखे होते थे, ईरान में तो पता ही नहीं चलता था कौन सी गाड़ी है। तो कई चीजों में ना ईरान से बेटर है टर्की, कई नहीं मतलब काफी चीजों में, और हमें भी काफी आसान होगी यहाँ पे चीजें। बाकी जैसे कि मैंने बताया था बीच बीच में शहर पड़ते रहते हैं, तो उनमें से एक और शहर आ चुका है, बट अभी जहाँ पे हमें लंच करने के लिए रुकना है वो 90 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, लगभग वही 1 घंटा लगेगा मैक्स। नाम है मरकेजी शहर, जैसे हमारे वहाँ सिटी होती है ना तो यहाँ बोलते हैं शहर,
ये देखो लिखा है ना शेहीर मरकरेजी। एंड इस तरह के भाई यहाँ पे फ्यूल स्टेशन होते हैं। फिलहाल अभी तो अपने को जरूरत है नहीं क्योंकि 250 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी, तो इर्ज़ुरुम जो सिटी है ना वहीं पे ही भरवा लेंगे डीजल। राइट साइड में हमारे ट्रेन की पटरी जा रही है एंड ये छोटी ट्रेन की है, जैसे इंडिया में वो उसे टॉय ट्रेन कहते हैं ना, कुछ कुछ वैसी है क्योंकि चौड़ाई बहुत कम है इस पटरी की। बस काश कोई ट्रेन जाते हुए दिख जाए भाई, मजा सा आ जाएगा। और यार ईरान और टर्की के बीच में भी ना पहले एक ट्रेन चला करती थी, यानी कि आप फ्लाइट से भी, बाय रोड भी, बस से भी एंड ट्रेन से भी जो है बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, बट अब वो ट्रेन बंद हो गई है। मैंने गूगल पे चेक किया था। पर कितना सही होता होगा ना भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेन में जाना। मैं चाहूंगा चाइना से ना ट्रेन चलती है नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया का टूर बनाऊंगा बहुत जल्दी। यहाँ देखो भाई सोलर पैनल बिछा रखे है इतने ओपन में, और कितने सारे है भाई सब, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी है ना। बीच बीच में इंडस्ट्रीज भी आती जा रही है, पता नहीं किस किस चीज की है, बट अच्छा लग रहा है नजारा देखने में कुछ भी का। और गाड़ी रोकने के लिए या ट्रक्स के लिए ना ऐसे साइड में अलग से जगह बनी हुई है। फिर से देखो भाई कितने सारे सोलर पैनल है, पता नहीं गवर्नमेंट ने लगाए हैं या लोगों ने लगा रखे, बट बहुत ज्यादा है ये तो। एंड रोड पर भी देखोगे ना स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, बट हमारी गाड़ी का तो चलान हो ही नहीं पाएगा इन स्पीड कैमरा से क्योंकि नंबर प्लेट यहाँ की नहीं है। बट ये है कि ओवर स्पीड करेंगे तो पुलिस वाले रोक सकते हैं आगे, वो फिर कैश में हमसे चलान ले लेंगे, लेकिन स्पीड कैमरा से ऑटोमेटिक वाला चलान नहीं हो पाएगा। पर आगे जो भी सिटीज आने वाली होती है ना उनके नाम भाई रोड के बीच में ही छाप रखे ऐसे, जैसे ये देखो दोनों। बाकी रोड पे लेन्स की मार्किंग भी ना परफेक्ट है, तो अगर आपकी गाड़ी में एडास है ना यहाँ पे तो मस्त काम करेगा टेस्ला जैसा। अनफॉर्चुनेटली अपनी स्कॉर्पियो एन में एडास नहीं है, एक्सयूवी 700 में था, तो अगर भाई इसमें भी होता ना मस्त एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के शांति से ड्राइव करते, मतलब ऑब्वियसली टेस्ला की तरह सो नहीं जाते, इतना तो ध्यान रखना पड़ता है भाई, बट स्टिल थोड़ा तो पैर को ना ऐसे रेस्ट सा मिलता। यहाँ से जो है इर्ज़ुरुम शुरू हो गया है। उठ जाओ भाई साहब, ढूंढते हैं कैफे अच्छा सा जहाँ पे खाना वाना मिल जाए। काफी बड़ी सिटी है यार, जिस शहर में हम कल रात रुके थे ना वो तो इसके सामने बड़ा चिन्नू मिन्नू सा था, तो यहाँ पे अगर हम कल आते तो होटल वोटल मस्त मिल जाते, बट वो ये 4 घंटे की ड्राइव दिखा रहा था तो रात के 9 बजे पहुंचते, तो उससे अच्छा हमने सोचा कि बॉर्डर पे रुक जाते, कल निकलेंगे सीधा। हाईवे से ना लगभग 9-10 किलोमीटर अंदर जाके है ये सिटी, और ये मेन सिटी सेंटर आ गया है मैप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कैफे वैफे कुछ तो मिल जाने चाहिए। अच्छी खासी भीड़ है भाई मेन सिटी में, एंड इस पूरे सिटी की 4,48,000 यानी कि 4.5 लाख की है, और यहीं पे हमें एक डोमिनोज दिख रहा है गूगल मैप पे, तो वहीं पे जाके खा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी भीड़ हो रही है, पता नहीं पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, जस्ट आ ही गया। और ये देख रहे हो भाई साहब झंडे फोटो सब लगाए हुए हैं, काफी बड़ी सिटी है एक्चुअल में। मिली गई भाई फाइनली पार्किंग भी, हमारे लिए स्पेस खाली था लग रहा है। एंड काफी सारे कैफे भी है ये देखो, और इसी लाइन में डोमिनोज है। पार्किंग तो सही कर दी मैंने है ना, बाहर नहीं आता था। सामने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो डोमिनोज ही है, वही जाएंगे पहले, तो मन बहुत कर रहा है काफी टाइम से अच्छा पिज्जा खाने का। बट प्रॉब्लम ये है कि वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं तो खा लूंगा चिकन वाला। नहीं मिलता वेज तो फिर और कैफे जो है वहाँ पे चलेंगे किसी। ये रहा भाई डोमिनोज पिज्जा, एंड ये डोमिनोज का लोगो देख के अलग एक्साइटमेंट हो रही है भाई साहब, इतने दिन से मिला नहीं था, है छोटू सा बट। भाई मेन्यू सब अलग है यहाँ पे तो इंडिया से, पर ये वेजी लिखा तो दिख रहा है तो मतलब वेजिटेरियन है। वेरी गुड, खुश हो जाओ अब तो बेटे, वेजिटेरियन पिज्जा। तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज करके भाई ट्रांसलेट हो गया है कि इसमें क्या क्या वेजी है, तो एक ही ले लेते हैं पिज्जा, मैं अभी वेजी खा लूंगा भाई। शुक्र है यहाँ पे भी कार्ड चल रहा है FI का, इसी से पे कर दूंगा। एंड साइज के इंडिया यस हाँ, एंड साइज के लिए ना इन्होंने ये लगा रखा है देखो, तो सबसे स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर रेड वाला लार्ज है, एंड देन एक्स्ट्रा लार्ज, हमने लार्ज लिया। 1 लीटर कोक यहाँ पे 40 लीरा की है, यानी कि 160 रुपये महंगी है यार इंडिया से, पर वो ये डोमिनोज है शायद इसलिए महंगी है। बाकी हाउ एक्सपेंसिव वाली वीडियो तो आएगी कुछ टाइम में टर्की की, यहाँ पे क्या क्या रेट है किन किन चीज़ों का। कार्ड तो भाई रिफ्यूज हो गया तो कैश ही दे रहे हैं 205, क्योंकि भाई कैचअप भी लिया एंड कैचअप यहाँ पे बहुत महंगी है। ये आया है जी पिज्जा, काफी सही साइज है, 2 लोगों के लिए काफी है, एंड ये कोक है। और कैचअप देखो यहाँ पे डोमिनोज की कैसी अलग सी, फ्रिज में रखी हुई थी ठंडी ठंडी कैचअप दी है, पर ये बहुत महंगी है भाई, लगभग 15 रुपए के आसपास की एक कैचअप पड़ी है। जरा खा के देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है, इंडिया जैसा ही है या कुछ अलग है। नीचे की जो ब्रेड है ना वो तो काफी ज्यादा पतली है, मतलब इंडिया में थोड़ी मोटी मोटी होती है तो भाई टेस्टी है ना, सही है, टेस्ट तो बढ़िया है एकदम। ओके थैंक यू भाई, सही है भाई, इंडिया के 800 रुपए में मस्त 2 लोगों का पेट भर गया। दोपहर के 2 बज रखे लेकिन टेम्परेचर एकदम मस्त ठंडा ठंडा हो रखा है। और यहाँ भी आप जो लोग देख रहे हो ना भाई, ये सब बाहर देश के नहीं है, टर्की
भी कई लोग है। ओहो बाइक देख रहे हो कावासाकी। चलो जी चलो खींचते अब। यहाँ से कुछ 190 किलोमीटर बचा है ढाई घंटे का सिर्फ, और दो नहीं भाई 3:30 बज गए हैं, तो वही 5:30-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। नॉर्मल चेकिंग चल रही है भाई, शायद से पासपोर्ट मांगेंगे, और एक टैबलेट सा ले रखा है उसमें नंबर डाल रहे गाड़ियों का। और इनकी टी शर्ट पे देखो कैरी का पोल्स, पोल्स आ गई पोल्स पोलिस बोलते पोलिस। टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट बॉलीवुड। अनमोल यू अभिषेक अभिषेक वेर आर यू गो टू इस्तांबुल इस्तांबुल यस कैपाडोकिया एंड इस्तांबुल व्हाट हैपेंस नो वी आर गोइंग टू लंदन यस गुड ब्लेस यू यस ओके ओके थैंक यू बाय। यही होता है भाई ईरान में भी, हमें 2 बार पुलिस ने रोका बट ना तो चलान हुआ कभी भी ना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे क्योंकि टूरिस्ट है और ऐसे गाड़ी देखते हैं वो रैप हुई हुई, और जब हम बताते कि लंदन जा रहे हैं तब तो वैसे ही कुछ नहीं करते भाई। तो आज भी यही हुआ, बस नॉर्मल पूछा उन्होंने और जाने दिया सिंपल। और भाई टर्की के खूबसूरत रास्तों से ना नजर ही नहीं हट रही, इतने मस्त नजारे मिल रहे हैं, बस ये मच्छरों ने या कीड़ों ने दिमाग खा लिया सारा, विंडशील्ड की ऐसी तैसी कर रखी है। तो भाई 80 किलोमीटर की रेंज बची थी और यहीं पे एक फ्यूल स्टेशन आ गया है। अब डीजल यहाँ पे देखो कोई बेंजीन ही लिखा हुआ है, मैंने आपको ईरान वाली वीडियोस में भी बताया था, गैसोलीन होता है डीजल और बेंजीन होता है पेट्रोल, और यहाँ पे देख सकते हो आप वी मैक्स डीजल लिखा हुआ, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है डीजल, बाकी बस भी खड़ी है, मतलब बस में तो डीजल ही डल रहा होगा ना। और यहाँ सही है भाई, स्टेशन पे डायरेक्ट लिखा होता है डीजल है या फिर पेट्रोल, मतलब पेट्रोल को कहेंगे यहाँ बेंजीन, 95 ऑक्टेन है। चलो डीजल भरवा लेते, कितने रुपए लीटर है? वी मैक्स विच इज बेटर, मैक्स बेटर, गुड गुड दिस इज गुड ओके। दो डीजल है वी मैक्स एंड वी प्रो, दिस 23 दिस ओके 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 ठीक है, तो 23 लीरा जो है वो इसका प्राइस है और 23.4 ओके ओके यस मैक्स मैक्स, तो बढ़िया वाला डलवाएंगे भाई। 24 लीरा का मतलब हो गया 92 रुपीज फुल यस फुल 92 रुपीज लीटर है यहाँ पे डीजल भाई टर्की में। अभी जो इसमें डीजल है ना वो ईरान बॉर्डर पे हमने भरवाया था और जब से वो ही चल रहा है, बट पहली बार यहाँ पे हम टर्की में जो है फ्यूल करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। यू टेक कार्ड 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 यस ओके ओके। चलो जी टंकी हो गई है बिल्कुल फुल, 48 लीटर आया है भाई साहब, कितने का? 101,110 लीरा, यानी कि 4400 रुपीज इंडिया के। कार्ड से ही पेमेंट करेंगे यार, क्यों कैश देने, थोड़ा ही कैश है वैसे भी अभी। तो इस तरह की पर्ची निकाल के दे दी है इन्होंने, अब कार्ड स्वाइप करके आना पड़ेगा अंदर जाके। तो अभी तो टर्की है इसलिए ये डाल के दे रहे हैं, बट यूरोप और यूके में भाई हमें खुद से फ्यूल भरना पड़ता है, कोई नहीं होता वहाँ। डोमिनोज में तो चला नहीं था भाई कार्ड, होपफुली यहाँ चल जाए। डन डन नो 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 कैंसिल इनवैलिड ओके ओके वेट कैश 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 नहीं चला भाई कार्ड, पता नहीं यार क्या हो गया कार्ड में, सुबह तो होटल की पेमेंट करी है उसमें तो हो गया, अब डोमिनोज में भी नहीं हुआ यहाँ भी नहीं, मेरे ख्याल से ना ब्लॉक हो गया कार्ड बाहर पेमेंट करने की वजह से, एक बार देखना पड़ेगा। नजारा देखो यार कितना सुंदर है भाई टर्की है जहाँ पे अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ऐसे ना मन सा खुश हो गया इतनी सीनरी देख देख के मेरा, ओए होए होए यार। ये भाई एलपीजी गैस है यहाँ पे, इसका रेट है कितना 11 लीरा यानी कि 45 रुपीज पर केजी। पेट्रोल है भाई 24.72 लीरा का, मतलब डीजल से 1 लीरा ज्यादा यानी 4 रुपए महंगा, 4 भी नहीं 6 रुपए लगा लो। चलो जी चलो कार्ड इसका भी नहीं चला, कैश ही देना पड़ा। तो भाई सिटी ऑलमोस्ट आ गई है, वो सामने आप देख रहे हो घर बने हुए, वहीं पे हमें रुकना आज रात को, और यहाँ पे एक मस्त सा व्यू था देख रहे हो। ओए होए होए होए, वैसे तो ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, अलाउड है या नहीं इसलिए हम जा नहीं रहे, क्योंकि शायद से ये इधर आने का रास्ता है ना कि यूं जाने का, अगर यूं जाने का होता ना तो भाई वहां तक जाते, बहुत प्यारा नजारा है। और यहां लेंगे भाई अच्छी अच्छी फोटोज, तो इस वीडियो का जो आप थंबनेल देख रहे हो वो इसी जगह पे लिया गया, देख रहे हो भाई साहब। और ये देखो भाई यहाँ की गायें कैसे पानी में मस्ती कर रही है। हेलो मिस्टीज, हेलो हेलो, वेयर आर यू गोइंग, वी आर फ्रॉम इंडिया, हेलो हेलो। टर्की की गायें बड़ी मोटी मोटी है भाई साहब, उनसे उससे तो देखो चला भी नहीं जा रहा है देखो। अच्छा नहीं वो नीचे कीचड़ है इसलिए, आगे वाली पूरी डूब गई। ओ भाई साहब हट्टी कट्टी गायें हैं टर्की की, तो देख रहे हो गाड़ी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्या हद से भी ज्यादा गंदी हो रही है। ये देख रहे हो कितने सारे कीड़े मरे भाई, ओए होए 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 छी यार,
भाई साहब ये देख रहे हो, सब खून है कीड़ों का। शीशा तो साफ कर लिया था मैंने, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया। ये तो अब देखा भाई, ये क्या हरा हरा हो रखा है, एलियन है क्या ये कीड़े है जो हरा खून है इनका। मतलब इतनी ग्रीनरी है ना चारों तरफ, इसलिए लग रहा है इनका खून भी हरा हरा हो गया है। तो अभी इसको धुलवाना पड़ेगा, इस वाली सिटी में तो नहीं। कल हम यहाँ से कैपाडोकिया जाएंगे, वो एक मेन सिटी है और वहाँ हमें रुकना भी 3 या 4 दिन है, तो आराम से धुलवा लेंगे इसको। तो हमारे मैप के अकॉर्डिंग भाई हमने पूरा ईरान क्रॉस कर दिया है, टर्की में हम एंटर कर चुके हैं। एंड टर्की में कुछ इस जगह पे है, और बॉर्डर पे हमें बताया भाई ये टर्की का फ्लैग है ही नहीं, गलती से हमारे जो डिजाइनर है उन्होंने गलत फ्लैग लगा दिया। ये पता नहीं कौन सी कंट्री का बता रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा फर्क था, मतलब सेम है डिट्टो और हल्का सा चेंज है। तो अब ये गलत लग गया भाई, कुछ कर नहीं सकते खैर। और मैं बता रहा था हम यहाँ पे है, ये हमें कल जाना है कैपेडोकिया जहाँ पे ये बलून है, फिर कैपेडोकिया से यहाँ पे इस्तांबुल है, देन हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके बल्गेरिया एंटर करेंगे और ये पूरा यूरोप फिर हम एक्सप्लोर करेंगे मस्त। एंड ये जो भाई गाड़ी ठुकी थी इसको भी रिपेयर करवाना है इस्तांबुल में। कैपेडोकिया में तो पता नहीं मिले ना मिले कोई ढंग का मैकेनिक, इसलिए इस्तांबुल में ज़रूर मिल जाएगा। और हम इस्तांबुल में है भी 4-5 दिन, आराम से ये ठीक होती रहेगी, 1-2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम यूरोप में नहीं करवा सकते, हमारे पास सिर्फ 30 दिन का यूरोप वीजा मिला है शेनेगन रीजन में। नॉन शेनेगन हम घूम सकते हैं 2-3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन कंट्रीज तो शेनेगन वाली है ना, वहीं पे ही रिपेयर हो सकता था और वहां पे हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। क्योंकि हमें यूरोप यूरोप में ही 18 से 19 देश घूमने हैं, इसलिए सिर्फ घूमने पे ध्यान देंगे। गाड़ी वाड़ी का जो भी काम है भाई सब टर्की से ही करवा के निकलेंगे। चलो जी चलो, हो गया है सारा कार्यक्रम समाप्त हमारा, अब चल के जरा होटल ढूंढे जाए। वैसे तो टर्की में होटल जो है ना वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट हम ऑनलाइन की जगह सीधा सिटी में पहुंचते हैं और गूगल पे टाइप करते हैं कि नियरेस्ट होटल, तो वहाँ पे जो 2-3 आते हैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, जो बेस्ट रेट दे रहा होता है उन्हीं से ले लेते हैं। ईरान में तो दिक्कत थी कि ऑनलाइन था ही नहीं होटल, सैंक्शंस की वजह से या इंटरनेट की वजह से जो भी दिक्कत थी, बट टर्की में ऑनलाइन हो जाएंगे। सिटी का बोर्ड भी आ गया है एर्ज़िकैन, 6 बजे पहुंचे हैं शाम के, और यहाँ पर ये होटल दिख रहा है मूनलाइट अपार्टमेंट होटल। होटल को ना यहाँ पे ओटल बोलते हैं, एच हटा देते हैं आगे से, तो OTEL ओटल। इनको फ़ोन करके पूछते हैं कितने का है। चलो भाई वो होटल तो मिला नहीं, एक होटल मिल गया, ये रहा कौन का मजलूम। इन्हीं की पार्किंग भी अपनी बहुत बड़ी, तो सही है, हालांकि है यहाँ पे ओपन पार्किंग ही, बट ठीक है तो कम से कम अपनी जगह, इनकी अलग से पैसे नहीं लगेंगे। और सब टूरिस्ट नहीं मतलब टर्की के ही लोग लग रहे हैं, फोटो ले रहे हैं गाड़ी की, देख रहे हो भाई रिएक्शन तो आता है पूरा स्कॉर्पियो। गूगल पे तो 900 लीरा का दिखा रहा है, यानी कि 3800 रुपीज़ इंडिया के, देखते हैं देंगे कितने का। ये भी सही है, चलो रेस्टोरेंट भी है इनका अपना, तो खाना वाना भी होगा ना, कुछ खा लेंगे। कहाँ से है भाई वो, यहाँ तो रिसेप्शन ही लिखा है, क्या बात है भाई, परफेक्ट इंग्लिश है। ये देखो भाई सामने इनका रेस्टोरेंट भी है यहीं पे। मैंने आपको कहा था ना होटल लेने को हम 2500-3000 वाली भी है, 2000 वाली भी ले सकते हैं, बट हमें ना पार्किंग चाहिए क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़े कोई बात नहीं। रूम अवेलेबल? रूम नहीं, 2% 750। कैन यू शो मी द रूम? ठीक है भाई, ऑनलाइन तो 900 लीरा के भी ऊपर दिखा रहा था, यहाँ पे 750 बोल रहे हैं, ये तो ठीक ही है, सस्ता पड़ेगा। टू सिंगल यस टू सिंगल बेड और ट्विन बेड? टू सिंगल बेड यस। ट्विन बेड ना ये ईरान में टर्की में यूरोप में बहुत छोटे छोटे होते हैं। वन डे टू डे ओनली? हाँ, तो मैं कह रहा था ईरान टर्की यूरोप जैसी कंट्रीज़ में ना भाई बहुत छोटे छोटे डबल बेड होते हैं, तो इसलिए हम क्या है सिंगल सिंगल अलग अलग बेड लेते हैं ताकि आराम से 2 लोग सो पाए। अरे भैया अंधेरा काहे कर रखा है इतना ज़्यादा, भाई कसम से कह रहा हूँ पूरी यूरोप वाली वाइब्स आ रही है यहाँ टर्की में, पता नहीं क्यों। मतलब पता तो है क्यों, क्योंकि बिल्कुल ही यूरोप साइड में ही है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है AC होंगे नहीं रूम में, क्योंकि यहाँ पे भाई ठंड है, अभी भी 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। नाइस यार, अच्छा रूम है ये तो बड़ा। ओ नाइस, एक सिंगल बेड है एक डबल बेड है, बाकी सोफा लगा हुआ है। ये लो भाई AC भी लगा हुआ है, सही है यार, और काफ़ी बड़ा रूम है, जितना सोचा था उससे तो बहुत बड़ा है। ये वार्डरोब बनी हुई है, बाकी ये वॉशरूम है, सही है, जेट स्प्रे तो है ही। एक ये रूम है, इसमें अलग अलग सिंगल बेड है, वही सही था, ये भी उतने का ही है। गिव मी गुड डिस्काउंट फॉर इंडियन। ओके लेट्स गो, सेम ही है बाथरूम डिस्काउंट तो लेके रहेंगे भाई। तो लास्ट 700? ओके देन ओके। लगेज कैन यू सेंड समवन फॉर लगेज? चलो भाई 700 टर्किश लीरा में मान गए, यानी कि 2800 से थोड़ा कम, तो ठीक है भाई सस्ता ही रूम मिल गया, मैं तो 4000 सोच के बैठा था। तो अभी तो यार यहाँ पे पूरी रोशनी हो रही है 6:30 बजे, मैं सोच रहा हूँ सिटी को ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया जाए, होटल रूम में जाके क्या ही करूँगा। सबसे पहले तो भाई ATM जाना है, क्योंकि कैश यहाँ का सारा खत्म हो चुका है, और कार्ड में मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हुई। असल में कार्ड में ना पैसे ही नहीं थे मेरे, मैं जब ऐप खोल के देख रहा था ना तो 40,000 दिखा रहा, उस वक्त इंटरनेट था नहीं मेरे पास ढंग से। तो अब मैंने होटल में आके रिफ्रेश करा ना, तो वो 40,000 की
जाएगा, 2000 रुपए निकले। तो इसलिए वहाँ पे भी पेमेंट हो नहीं पाई थी, सिर्फ होटल होटल में हुई थी। तो अभी मैंने ऐड कर लिया ऐप में जाकर 50,000 रुपए। अब ATM चलते हैं और वहाँ से कैश निकलवाते हैं। यहाँ के घर देखो कैसे बने हुए हैं, ये मिट्टी के घर नहीं है, मतलब घर के आगे का एरिया, बट ऊपर टाइलें लगा रखी है ऐसी ना टाइलें। हिमाचल में जब केशव के घर गए थे ना वहाँ चंबा में, तब सेम टू सेम लोगों ने यूज कर रखी थी मेनली, तो बारिश में ज्यादा यूजफुल रहती है ये। काफी पुराने पुराने से घर लग रहे हैं देखना, एंड इसी के सामने इतनी मॉडर्न सी बिल्डिंग है पूरी। इनकी रोड प्रॉपर भाई चौड़ी चौड़ी है, जैसे मैं पहले जिस घर में रहता था ना रेंट पे, वहाँ पे भी इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। बेसिकली इंडिया में सेक्टरों का एरिया, जमीन तो बहुत खाली है यहाँ पे देखना, इतनी बड़ी पार्किंग छोड़ी हुई है, किसी का प्लॉट है यहाँ पे। वैसे टर्की में भी प्लॉट पे कब्जे होते होंगे पता नहीं यार, कह नहीं सकते। यहाँ पे भी लोग देखो इलेक्ट्रिक ये स्कूटर से यूज करते हैं। बाकी ये जो सिटी है ना वो पिछली वाली सिटी से छोटी है, मुझे लगा था ये बड़ी सिटी होगी, बट जो एंजुरूम था ना वो इससे बड़ा था। वहाँ की 4.5 लाख की पॉपुलेशन थी और यहाँ पे केवल और केवल 1.5 लाख लोग रहते हैं, तो 3 गुना कम पॉपुलेशन है इस सिटी की, और एरिया वाइज भी ये सिटी छोटी है। मुझे गलती से लगा ये बड़ी है। गाड़ी देखो रेनो की है, कौन सी है ये, लियो, इंडिया में तो नहीं आती है। यहाँ पे ना काफी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया वाले जो इंडिया में आते हैं, जैसे देखो सामने ह्यूंडई खड़ी है, वो भी i20 है भाई, देख रहे हो। एंड ये देसी ट्रैक्टर, देसी तो नहीं है खैर, थोड़ा सा एडवांस सा लग रहा है बड़ा, देखना टायर कितने बड़े बड़े होते हैं भाई। ट्रैक्टर लेने का मन तो है, ऐसे सड़कों पे चलाओ क्या मजा आए ना। होंडा सिविक भी है भाई ये देखो। अभी ना हम फिलहाल बैक साइड में है रेजिडेंशियल एरिया, इसके उधर जाओगे ना तो मेन सिटी स्क्वायर आ जाता है, जहाँ पर प्रॉपर कैफेज वगैरह है सब कुछ। ट्रैफिक रूल्स भी ना लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं भाई, मतलब कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा होता है रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसके लिए रोक देते हैं गाड़ी। एक टर्की में मैंने ये बहुत देखी है A101, मेरे ख्याल कोई सुपरमार्केट की चेन है यहाँ पे, क्योंकि उस शहर में भी थी यहाँ पे भी है। एंड इस तरह की बड़ी बड़ी ये वैन टाइप भी बहुत देखी है मैंने रस्ते में। हमारे वाले होटल में ना ब्रेकफास्ट भी फ्री है, और सबसे अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि वीकेंड के टाइम पे 12 बजे तक है सुबह, हम थोड़े लेट उठते हैं ना क्योंकि, तो 7 बजे से 12 बजे तक, वैसे तो 10:30 उठ जाएंगे कल हम, क्योंकि निकलना है और कैपेडोकिया पहुंचना है। एसी तो लगा रखे लोगों ने घर में, मतलब गर्मियां पड़ती है, ऑलमोस्ट जून खत्म हो चुका है तो इतनी गर्मी तो नहीं है, बट मेरे ख्याल जुलाई अगस्त में थोड़ी बहुत पड़ती हो क्या पता, क्योंकि देख रहे हो एक एक घर में ऐसे 8-8 एसी दिख रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पे एक दो कैफे वगैरह है, लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं, रात को आ जाएंगे डिनर करने। पूरी मार्केट ना ये लोकल्स के लिए ही है, आसपास देखोगे ना छोटी मोटी दुकानें जैसे साइकिल पंचर वगैरह की, वो सब यहाँ पे लोकल ही आए हुए अपना कुछ काम करवाने के लिए। एंड ATM भी भाई बस आ ही गया ये रहा 30 मीटर पे इसी साइड पे। मैंने होटल वालों से पूछा था, कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है इस सिटी में, कैपेडोकिया में ही जाके है इंडियन रेस्टोरेंट। गूगल मैप पे ATM की लोकेशन ही गलत डली हुई है, आगे की तरफ है कहीं। तो भाई मिल गया यहाँ पे ATM सामने, और ईरान की तरह यहाँ भी ऐसी गलियों में ना खुले में ही होता है, कोई कवर्ड वो नहीं होती जगह, तो भीड़ बहुत लग रही है, मतलब ATM तो काम कर रहा है, होपफुली हमारे भी पैसे निकल जाए। ऐसा कुछ ATM है भाई, यहाँ डाल देते हैं कार्ड, नाम तो मेरा आ गया बट अदर लैंग्वेज में जाके, हाँ इंग्लिश एरा। चलो जी अपना पासवर्ड डाल दिया है, टर्किश लीरा विड्रॉल, इतने 2000 निकाल लेता हूँ। वो निकल रहे भाई निकल रहे, आवाज आ रही है करकरा रहे नोटों की, क्या बात है। कार्ड तो आ गया अपना, लो जी लो पैसे भी आ गए, 2000 टर्किश लीरा यानी इंडिया के 8000 रुपए। तो लो भाई मैसेज भी आ गया, 7,232 रुपीज कटे 2000 लीरा, तो मतलब कि 3.60 रुपए का दिया है। सही है यार, 4 रुपए से भी कम मिला, तो ये FI का कार्ड सही है, इसी से कैश निकलवा लेता हूँ। तो टोटल भाई मैंने 5000 टर्किश लीरा निकाल लिया, यानी कि अराउंड आप राउंड फिगर में लगाओ तो 19,000 रुपए के आसपास। भाई साहब ये देखो मित्सुबिशी की, क्या भाई साहब पिकअप ट्रक को बना रखा है यार। पिकअप ट्रक में ये है मॉडिफिकेशन तगड़ी हो सकती है, देख रहे हो टायर वायर पूरा ऊपर रेलिंग, ओए होए होए गजब। भाई यहाँ पे चिकन शोरमा, बस ये बंद में ना दे, उस रोटी में दे 1 चिकन शोरमा। छोटा वाला है 35 लीरा का, बड़ा वाला है 40 लीरा का, तो मैंने छोटा ही ले लिया, 110 रुपए के आसपास का पड़ेगा। ठीक है भाई, हाँ ये सही है भाई, रोटी में दे रहे हैं, वरना ईरान में उसने बंद में दे दिया था, इतना बेकार लग रहा था। बाकी इसमें टमाटर और आलू डालते हैं फ्राइज पर, फ्राइज नहीं डलवाऊंगा खाली टमाटर। दिस नो नो ओनली दिस नो अनियन प्याज अनियन लिटल। छोटा वाला ये है, तो भाई बड़ा कितना था फिर, अच्छा हुआ नहीं लिया बड़े वाला। हाँ, मज़ा सा आ जाता भाई ये चीज़ देख के। तो जी तोल के देते हैं,
एक पानी की बोतल भी ले लेते हैं भैया। यस थैंक यू। हाउ मच टोटल? बोतल भाई साहब 5 लीरा की है, छोटी वाली यानी लगभग 18 रुपए की। टेस्टी है भाई, मजेदार। बर्गर वालों के लिए भाई बर्गर किंग भी है यहाँ पे, मैकडी नहीं है, डोमिनोज हो सकता है यहाँ पे भी मिल जाए शायद से। यहाँ पे जगह जगह ना ऐसे पानी पीने वाले बने हुए हैं और हाईवे में भी आ रहे थे बीच बीच में, लोग भर भर के ले जा रहे थे वहाँ से। एंड साफ सफाई की बात की जाए तो सिटी सेंटर है, साफ ही होता है, बट पता नहीं बाकी एरिया कैसे रहेंगे। साफ ही होंगे यार, ईरान साफ था तो टर्की क्यों नहीं होगा। जगह जगह पे क्योंकि डस्टबिन बने हुए हैं तो लोग डस्टबिन का यूज करते हैं। जिसे कहते हैं ना भाई मेन सिटी सेंटर या सिटी स्क्वायर, वो है ये। एंड सामने कुछ तो चल रहा है भाई, जाके देखता हूँ क्या है। शोर आ रहा है बड़ा वहाँ से, बहुत भीड़ हो रही है भाई सब, देखना क्या है। अरे अच्छा कुछ तो सीन चल रहे हैं यहाँ, देख रहे हो? ओए कोई बैंड आया हुआ है, गाने वाने बजा रहे हैं वो देखो। यहाँ पे खाने पीने की आइटमें भी है जो मुझे तो समझ आ नहीं रही क्या क्या है। तो फ्री में टर्की में ना कॉन्सर्ट में एंट्री मिल गई, मजेदार। ओए यहाँ पे भाई बुढ़ी के बाल मिल रहे हैं तो टर्की बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो वन वन, हाउ मच? हाउ मच? व्हाट भाई साहब तो लूट रहे हैं, 20 लीरा में दे रहे हैं बुढ़ी के बाल। था तो ये 10 का ही पक्का, मेरे को देख के लूट रहे हैं। 10 10 ओके यस बताओ, 80 रुपए का ये लिया है यहाँ पे। नहीं आके बैठ गया भाई मैं, और टेस्ट तो बिल्कुल सेम वही है इंडिया वाला ही। अच्छी सिटी है यार, छोटू सी बट काफी हैपनिंग सी लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है रात के 10-11 बजे भी प्रॉपर भीड़ रहेगी यहाँ पे लोगों की। चलो भाई इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।